नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम करने वाले हैं, खासतौर पर इंडियन नेवी एमआर के लिए है, लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार किया गया है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस प्रैक्टिस बुक का लिंक दिया हुआ है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। इसमें आपको कुल 35 सोल्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, और लेटेस्ट पैटर्न प्रिय प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इच्छुक हैं इन्हें खरीदने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, यानी कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको कमेंट करना है, 4 सेकंड का समय आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों, गुजरात जो है अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है, कपास एक नकदी फसल है, कपास जो है एक नकदी फसल है, और रुई इससे तैयार की जाती है। कपास को दोस्तों सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, और इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है। मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य बिरला ग्रुप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो नरेंद्र नाथ दत्त है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रो मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी शिकागो स्कूल के लीडर थे, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, म्यूर का जो है ये विचार है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय तानाशाही। इसके अंतर्गत दोस्तों मंत्रिमंडल अपने संविधान के परे शासन करने का प्रयास करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सीनेट की सहमति के द्वारा। दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से करता है। न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 9 है। इनका कार्यकाल लाइफ टेन्योर जो है प्रकृति का है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अब भी ईमेल के बजाय हाथी दांत से बने कागज वाले ज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया है? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण नगरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत में पहला सफल आक्रमण अरबों द्वारा 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो ये बात अभी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण नगरी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कविराज मार्ग। कविराज मार्ग एक प्रसिद्ध कन्नड़ ग्रंथ है, इसकी रचना राजा अमोघवर्ष ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्णा एक। दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया जाता है? द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है। मापन का उल्लेख जो है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कहता है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन का सबसे बड़ा शासक ऑप्शन नंबर बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। सातवाहन वंश ने इस जो है 230 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी तक जो है केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज्य किया था। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एनआईएन राष्ट्रीय पोषण संस्था का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो एनआईएन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसका जो मुख्यालय है, केंद्रीय मुख्यालय, वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध पेब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, स्पेनिश चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द बुक एंटाइटल्ड प्लेइंग इट माई वे हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों आप सभी को पता है जो पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, इसका जो लेखक है वो सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट कोजिंग हेल्थ हैजार्ड इज, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हु इन्वेंटेड वाटर टर्बाइन, पानी के टर्बाइन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड वाटर टर्बाइन, पानी के टर्बाइन का आविष्कार किसने किया? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बेनोइट फोनरीरोन ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडिया, विच सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडिया, भारत के किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, एग्रीकल्चर, यानी कृषि।
अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों। जो स्वेज नहर है वो इजिप्ट यानी मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट यानी मिस्र। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द डिस्प्यूट ओवर सचिन ग्ले जो है सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों गोबी मरुस्थल, संसार का पांचवा बड़ा और एशिया का सबसे विशाल मरुस्थल है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये जो गोबी मरुस्थल है एशिया महाद्वीप में चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द लीना रिवर पासिस थ्रू विच कंट्री, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? द लेना रिवर पासिस थ्रू विच कंट्री, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रूस, रूस यानी रशिया से होकर जो है लेना नदी बहती है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ कैनाल्स, नहरों का देश किसे कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड दी कंट्री ऑफ कैनाल्स, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और जो है काबुल नदियों के से अधिक संख्या में नहरें निकाली गई हैं। पाकिस्तान को दोस्त के बलूचिस्तान क्षेत्र को कैलिफोर्निया की उपमा प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान का सुई का क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोजिज, तो दोस्तों आप सभी को पता है जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रतौंधी। ऑप्शन नंबर डी रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन ए की डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द फिनोमिनन विच कोजिज मिराज इज, मृग मरीचिका बनाने वाली परघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली परघटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो घटना है, इस ये जो प्रोसेस है, इसे हम जो है पोलराइजेशन TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द डिजीज विच हैज़ बीन इरेडिकेटेड किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चेचक स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि साबुन जो है अगर हम नॉर्मल वाटर से धोते हैं तो इतना अच्छी जो है सफाई नहीं मिलती है, लेकिन अगर दोस्तों हम जो है साबुन से धोते हैं तो जो है बेहतर सफाई हमें मिलती है, क्योंकि दोस्तों जो ये गोल के पृष्ठीय भाग को कम कर देता है, यानी जो वाटर है उसका जो है सरफेस टेंशन को ये कम कर देता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कहता है कि द यूज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर डेट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड हैज, द यूज़ ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर डेट इंक्लूड्स स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड हैज, अयस्क के ताप उपचार का प्रयोग के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में दोस्तों आपका जो है गलाना और पकाना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, विच ऑफ दीज ट्रेवल इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वॉयलेट लाइट, बैंगनी प्रकाश।
अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन, एयर को संतृप्त कब माना जाता है? तो दोस्तों एयर को संतृप्त कब माना जाता है, जब दोस्तों इसमें जल और वाष्प अंश अधिकतम हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस यानी संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ हेटरोजीनियस मिक्सर यूजिंग द टेक्निक ऑफ, आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ हेटरोजीनियस मिक्सर यूजिंग द टेक्निक ऑफ, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीकरण। मैग्नेटाइजेशन चुंबकीकरण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दोस्तों विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो है लिंक यानी एक जो रिलेशन होता है उसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉल ऑफ स्टील इज इट्स, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉल ऑफ स्टील इज इट्स, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मास यानी द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो गया है, और दोस्तों अगर आपको मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए उसका डिटेल सॉल्यूशन आप देख लीजिए। बाकी डायरेक्ट आंसर मैं आपको यहां पर बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 3x⁻³ (-3⁻¹) = 18, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर एक्स की। तो दोस्तों आपको इसको सोल्व करना है और एक्स की पावर एक्स की जो है वैल्यू आपको निकालनी है। पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद आप एक्स की पावर एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 27। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है दोस्तों, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग सिक्स साइड्स, एक समषष्ठभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है? दोस्तों आप सभी को पता है एक समषष्ठभुज में दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो दोस्तों कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वेयर 30° प्लस साइन स्क्वेयर 45° प्लस कोस स्क्वेयर 60°, यानी कोसिकेंट स्क्वेयर 30° जमा साइन स्क्वेयर 45° जमा कोस स्क्वेयर 60° का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है कोस 30, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वेयर कीजिए, ऐड कीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, आपके पास जो आंसर होगा दोस्तों वो 19/4 आएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 km/h, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 45 minutes, एक रेलगाड़ी 75 km/h की चाल से चलती है, 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों चाल आपको पता है 75 km/h, दूरी क्या होती है, चाल गुना समय, तो आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, 56.25 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जो है log 10 base x = 2 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, 100। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हाट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 3+√5, 3 जमा वर्गमूल 5 का वर्गमूल क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5/√2 + 1/2 √। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कंप्लीट द सीरीज, श्रेणी को आपको पूरा करना है, 1/5, 3/7, 6/11, 10/19, आपको आगे बताना है कि क्या होगा। दोस्तों
इससे आप जो है लॉजिक के साथ सोल्व कर सकते हैं। और अगला जो क्रम होगा वो होगा 15/35, ऑप्शन नंबर सी जो है अगला क्रम होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर प्लस 2, 3 और 4, 5 आएगा, यहाँ से करेंगे तो आप 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का क्यूब, उसके बाद 2 का 4, इस प्रकार आप लॉजिक लगा के अगर ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। दोस्तों डाटा दिया हुआ आपको 25, 15, 17, 19, 21, 23 और 13, यानी 25, 15, 17, 19, 21, 23, 13, इन आंकड़ों का आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो दोस्तों ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप सभी को पता है कि जो माध्यिका होती है मीन होती है n+1/2, वहाँ पद आपको निकालना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों a man can do a place of work in 10 days and do it in 15 days, how long will they take if their work टुगेदर। एक काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 6 दिन में जो है वो मिलकर कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन अ प्रिंसिपल इज 3000 रेट 5% पर एनम एंड टाइम 2 ईयर इज, मूलधन 3000 रुपए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो होगा दोस्तों वो होगा 307.50, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीआई का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पर सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों अ ट्रेन 760 मीटर लॉन्ग पासिस अ प्लेटफॉर्म 440 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एक 760 मीटर लंबी जो है यात्री ट्रेन एक 440 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तदनुसार रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप रेलगाड़ी की चाल निकालिए, उसके बाद इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, इफ 2 ऑफ दीज नंबर्स आर 16 एंड 21, फाइंड द थर्ड नंबर। यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याओं का मान 16 है और 21 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कोन इज शंकु का आयतन होता है। तो दोस्तों 1/3 πr² h, 1/3 πr² h जो है इसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों द मनी स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ अ हाउस वॉज 2% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द रिपेयर्स कॉस्ट इज 8400, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। घर की मरम्मत पर उसकी लागत का 2% के बराबर खर्च करता है, यदि मरम्मत का खर्च 2, यानी 8400 रुपया है तो घर की खरीद का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2% की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों, 1% आप निकाल लीजिए, उसे 100 से गुना कर दीजिए तो आपके पास जो है पूरे घर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 42 लाख रुपये होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है चार लाख बीस हज़ार जो इसकी वैल्यू आएगी, 4,20,000। तो दोस्तों ये था हमारा जो है एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट इंडियन नेवी MR के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन का जो कि इस प्रैक्टिस सेट में हमने किए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर डाउट आए तो वहां से आप इसे जो है क्वेश्चन को देख के दोबारा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। 3500 प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिलते हैं, केवल और केवल 93 रुपीज़ है, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से मंगाइए, प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।